गाइस तो ये है मेरा ब्लॉगिंग स्टैंड। तो है यूडो फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अभी मस्त हूँ। अभी बज रहे हैं 9:00 और मैं अभी सो करके उठ गया हूँ, ब्रश भी कर लिया हूँ फ्रेंड्स, और अभी जा रहा हूँ मैं अपना ब्लॉग बनाने। बिकॉज मैं ब्लॉग तो बना रहा हूँ, जाना क्या है इसमें। और आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास ब्लॉगिंग सेटअप क्या क्या है, क्या है मेरे पास, क्या नहीं है, ऐसा मेरा चल रहा है ब्लॉगिंग लाइफ फ्रेंड्स। तो आज सब आपके साथ शेयर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो ये है मेरा ब्लॉगिंग स्टैंड। ये ब्लॉगिंग स्टैंड मैंने लिया था जो कि ये ओवन का, आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं 450 में लिया था, बट मुझे ये दुकानदार ने मेरे से 100 रुपीज़ लगता है लूट लिया, बिकॉज ये फ्लिपकार्ट 350 का मिल रहा है। और भाई इसकी जो हाइट है ना, हाइट नहीं इसकी लंबाई 1 मीटर तक है, मतलब ये सेल्फी कैमरा भी है, इससे आप रील्स भी बना सकते हैं। भाई रील्स बनाना होगा तो हमको सबसे पहले इसको ऐसे ओपन कर लेना होगा और ऐसे कर करके, और इसको इससे रख देंगे किसी भी कहीं पे भी, और इसको पूरा खोल लेंगे ऐसे, और फिर इसमें मोबाइल लगा देंगे और ऐसे रख करके इसको, और रील्स भी बना सकते हैं। इसलिए मैंने इसको गाइस चूज किया था, बिकॉज ये अच्छा है और मेरे को भी अच्छा लगा था ये। बट मैं उतना इससे सेल्फी स्टिक भी है, लेकिन इससे मैं सेल्फी नहीं लेता हूँ, फिर भी ये बेस्ट है। और इसमें एक दिया है ब्लूटूथ कंट्रोल, मतलब ब्लूटूथ से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये है, इस डिवाइस को हम लोग मोबाइल से कनेक्ट करा देंगे ब्लूटूथ की सहायता से, और उसके बाद से हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो सेल्फी भी ले सकते हैं और वीडियो भी स्टार्ट कर देगा फ्रेंड्स। तो ये है मेरा ब्लॉगिंग स्टैंड, और मैंने इसको कहीं इनकम से नहीं लिया, ये पापा के पैसे से लिया हूँ। इसको मैं सोच रहा था जब स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग, तभी से मैं सोच रहा था कि इसको मैं लूँगा, तो ये मैं पापा के पैसे से पहले ही ले लिया हूँ, मतलब अपना इनकम होने से पहले इसको ले लिया हूँ, जो काफ़ी अच्छा लगा था मेरे को, इसलिए मैंने लिया। और ये बेस्ट भी है मेरे लिए, इसलिए मैंने इसको ले लिया फ्रेंड्स। अब दूसरे नंबर बात करें तो ये है मेरा बोया का माइक है ये, जो आप लोग देख सकते हैं। इसका वायर आप लोग को पता ही होगा कि कितना लंबा है, अगर आप एक क्रिएटर हैं तो। और गाइस ये काफ़ी बेस्ट माइक है, इससे मैं फैक्ट वीडियोस बनाता था, बट अब नहीं बनाता हूँ, बिकॉज मेरा अभी पेपर चल रहा है, आपको तो पता ही है कि यूपी बोर्ड का पेपर चल रहा है, इसलिए मैं इसको नहीं बनाता हूँ, बिकॉज थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है। तो पेपर के बाद फिर से मैं कंटिन्यू करूँगा बनाना। अगर आप माइक लेना चाहते हैं तो ये बोया का ले सकते हैं। इस माइक को आप लोग कैमरा में भी लगा सकते हैं, DSLR कैमरा में, कहीं पर भी लगा सकते हैं कैमरा में, लेकिन ये बहुत ही बेस्ट है, बिकॉज इससे अच्छी क्वालिटी भी आती है हमारे रेंज में अभी, मतलब हमारा तो कोई इनकम है नहीं ना, तो हम लोग के रेंज में ये काफ़ी बेस्ट माइक है, जो कि आप लोगों को 500 का पड़ेगा। और भाई ये स्टैंड में लिया हूँ कम से कम एक मंथ से भी पहले का लिया हूँ मैं। लिया था तो ब्लॉग, मतलब इसका अनबॉक्सिंग का एक वीडियो डाला था, आप लोग देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मिलेगा। और इसको मैं लिया हूँ 3-4 महीने पहले का भाई, अभी गर्मी थी उसी समय इसको जाकर के लिया था, और ये काफ़ी बेस्ट है, आप लोग दोनों चाहे तो ले सकते हैं गाइस। तो बस यही था मेरे पास। और फ्रेंड्स तो कर ले मोबाइल की बात, तो मेरे पास है मोबाइल Redmi 9 Prime, 4 GB रैम है और 64 GB उसका स्टोरेज है फ्रेंड्स। तो मेरे मोबाइल का कैमरा है, जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है और बैक कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। फिर भी इसको, मतलब जो बैक कैमरा है ना, इससे थोड़ा क्वालिटी अच्छा आता है, लेकिन दूर का अच्छा नहीं आता है। अगर मैं इससे कैमरा लेना चाहूँ तो कैमरा अच्छा नहीं आता है, फोटोस अच्छा नहीं आता है, वीडियोस थोड़ा अच्छा क्वालिटी आता है। और ऐसे फ्रंट कैमरा से भी बनाता था ब्लॉग, बट अब मैं बनाता हूँ बैक कैमरा से। अगर आप लोग भी ब्लॉग बनाते हैं तो बैक कैमरा से बना सकते हैं गाइस। तो ये था मेरा बस ब्लॉगिंग सेटअप, और कुछ नहीं है मेरे पास, जो था सब आपको दिखा दिया गाइस। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ स्टाइल गाइस। तो अभी मैं आ गया हूँ टूल पे चारा ले जाने के लिए, और मस्त आकर के इधर घूम रहा हूँ। मम्मी चारा लेकर के चली गई है टूल पे, और अपना मटर भी यहाँ पे रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स ये रहा मटर, इतना बड़ा बड़ा इसका छिमी हो गया है, और इसमें दाने भी लग चुके हैं अभी, तो इसको खा रहा हूँ मैं। इसको एक ठो खाते हैं और पूरा गेहूँ घूम लेता हूँ, बिकॉज कल रात को हम लोग गेहूँ में पानी चला रहे थे, तो सब देख लेता हूँ कहीं किसी और के खेत में पानी तो नहीं जा रहा है ना, सब घूम करके और फिर चलेंगे ऐसे घर। I wake up kicking myself, exhale cause I heard it helps, but same old way I felt. अभी मैंने 3-4 मटर तोड़ लिया हूँ, और इसको खाऊंगा भाई, कच्चा खाऊंगा, बिकॉज ये कच्चा मीठा लगता है और बहुत ही मजा आता है इसको खाने में। चारा फेंक दिया मशीन के पास और मैं चलता हूँ रूम में, बिकॉज आ रही है मेरे को नींद बहुत ज़्यादा, और वैसे भी भाई मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो गया हूँ। अभी तो मैं साइकिल पे हूँ और जा रहा हूँ सोने के लिए। आप लोग सोच सकते हैं मैं जब ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ तो कितना आलसी हो चुका हूँ इस समय। तो फ्रेंड्स आज के इस ब्लॉग को करते हैं एंड, होपफुली ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड्स, बाय। गाइस अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो सर्च कीजिए अंचल यादव ब्लॉग्स और फॉलो कीजिए।